मैं हारिस से तलाक ले रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही कह रही हूँ, नाय से तलाक लो और आगे बढ़ो। हाँ तो बोलो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अनाया क्या बच्चे की पैदाइश हुई है? तुझे पता है हसन मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? यही कि शादी कर लूँ। तो कर ले। शादी के फंक्शंस में एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी दोस्तों की होती है और माशाल्लाह से मेरा भाई तो मजनू हो गया है। वो थोड़ी ना नाचेगा मेरी शादी में। देख ये बातें घुमाकर मेरी इंसल्ट करना छोड़ दे, वरना मैं तुझसे मिलना छोड़ दूंगा। कैसे छोड़ दूं हसन? मुझसे कसम से तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। अपनी हालत देखी है तूने? तो ना देखा कर। तू पूछ रहा था ना मैं तेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा, जवाब तेरे सामने। तुझसे मिलकर मैं और परेशान हो जाता। अच्छा आई एम सॉरी, मेरी नीयत पे शक मत कर हसन। मैं कसम से तुझे बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ और एक बात समझ ले, तू मेरा बाप नहीं है। अपनी फिक्र कर। लेकिन मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ और उसी दोस्ती के नाते मैं तुझे एक बात बहुत आराम से समझा रहा हूँ। देख हसन, ये जवानी बार बार नहीं आती, इसको ऐसे बर्बाद मत कर। तू एक काम कर, तू अनाया को तलाक दे दे। दे दूंगा। मगर कब? जब मांगेगी। तू अभी भी उसी की सहूलत देख रहा है जिसने तेरा ये हाल किया। देख मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? हसन मैं तेरे खराब दिमाग को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो गया यार? बात तो सुन मेरी। कमाल, सेठ फरीद की सारी औलादें पागल हैं। बहन है तो वो काटने को दौड़ती है और भाई है वो धक्के मारते। या अल्लाह ये तो जुल्म है। जिसे दौलत दी उसे अकल नहीं दी और जिसे अकल दी है उसे मुझ जैसा गरीब पैदा कर दे। कितने अरसे बाद इतना खुश देखा मैंने तुझे, माशाल्लाह। मैं इब्राहिम को देख के सोच रही थी कि कितना प्यारा है, मैंने कभी इससे प्यारा बच्चा ही नहीं देखा। नी औलाद सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। अम्मी मैं इसको छोड़ के ऑफिस कैसे जाऊंगी? मैं हूं ना, मैं संभालूंगी इसे, तुझसे बेहतर संभालूंगी मैं इसे। वो बात नहीं है, मैं तो इसको बहुत मिस करूंगी। एक मिनट के लिए भी मैं इसको अपनी गोद से नहीं उतार सकती। मुझे लगता है मेरी जान अटक गई है इसमें। कैसे जाऊंगी ऑफिस? पहला जमाना अच्छा था, मर्द कमा के लाते थे। तेरे बाबा से जब मेरी शादी हुई ना तो सब कहते थे अजीज तो 5 मिनट भी घर पे नहीं बैठता, तुम गुजारा कैसे करोगी? यही हुआ, शादी के बाद उनकी आवारागर्दी खत्म नहीं हुई,
देर देर से घर आते थे, लेकिन फिर तुम पैदा हो गई। तुम्हारे पैदा होने के बाद वो दफ्तर से सीधा घर आ जाते थे, तुम्हें गोद में उठा के पूरे घर में घूमते थे। जब से इब्राहिम पैदा हुआ है, मेरी नजर में आपका और बाबा का मकाम और बढ़ गया। लो, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। पापा की यादों से नजरें तो नहीं चुरा सकते, बाबा नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैं जब छोटी थी और किसी को खुशी के मौके पर रोता देखती थी तो मैं बड़ा हैरान होती थी, सोचती थी खुशी का मौका है, ये रो क्यों रहे हैं। आज समझ आई, खुशी मिलने पर ही तो बिछड़ने वाले याद आते हैं। आज बाबा होते तो बहुत प्यार करते इब्राहिम से। तुम इसके कपड़े बदलो कि अभी ये कितना प्यारा है, देखो तो सही, इतनी छोटी सी थी तुम भी इतनी बड़ी हो गई माशाल्लाह, ये देखो तो सही। मैं केस को ज्यादा नहीं लटका सकता हूं, जितना डिले कर सकता था किया है, और मैं मैडम मीराल का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वकील साहब, आपको बर्दाश्त करना होगा, मीराल नादानी में अपना ही नुकसान कर रही है, उसे जल्द एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। फरीद साहब के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, लेकिन आप ही तो सोचे ना, मैडम मीराल को अंधेरे में रखकर मैं अपने प्रोफेशन से गद्दारी कर रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है। मैडम वो Shut up, get out. ये सब कुछ आपकी अम्मी said, get out right now. I am sorry. I said get out. तुम्हारा लाइसेंस तो भी कैंसिल करवाती हूँ। जाओ। मैं वहां कोर्ट में ख्वार हो रही हूं और आप यहां बैठकर ये कर रही हैं। मैं तुम्हारी ही बेहतरी के लिए सब कुछ कर रही हूं मीराल। माँ बाप को लगता है कि वो औलाद के भले के लिए कर रहे हैं, मगर वो जानते नहीं कि वो औलाद की जिंदगी और जहन्नम बना रहे हैं। Congratulations and celebrations! Na 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 na! I want to By the way, Ibrahim, how? Mubarak, Mubarak. Thank you, Mubarak, Mubarak. Magira hai hamare Ibrahim ki. Aunty, aap aaye. Haan, beta, main aa raha hoon. Bahut khush hai aaj. कितना प्यारा है ना बेटा किसका? बिल्कुल तुम पे गया। अल्लाह करे मुझ पे जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम ही पे जाएगा। इब्राहिम आपका केक सब खा गए हैं, आपको कोई नहीं दे रहा, उसको भी दो ना। हाँ ये दे दो। वैसे क्या सोचा है ऑफिस के बारे में, कब जाना है? बस 10-12 दिनों में इंशाल्लाह। डालो ना हाथ में लेके। मैं हूँ ना, इसको संभाल लूंगी ना, बिल्कुल इसको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। अम्मी मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत मिस करूंगी इसको, कैसे कैसे मैं रहूंगी अपने बेबी के बगैर। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। बिल्कुल देखिए हारिस साहब, इस केस का फैसला तो काफी पहले हो चुका होता, मगर मीराल साहब के वकील की नाइली की वजह से हमें मोहलत मिली हुई थी,
अब तो उन्होंने अपना वकील भी बदल लिया है, फारूक अब्बासी, जो एक दिन में जज से अपना फैसला ले लेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए वकील साहब? हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके, मुझे लगता है हमारे हाथ कुछ नहीं। फैसला अमीराल साहिबा ने किया है और वो अपना फैसला किसी तौर बदलती नजर नहीं आ रही है। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सोचने के लिए। जी जरूर, इजाजत। आए डॉक्टर साहब बैठे। तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। क्या मतलब यार, आप मेरे साथ आए थे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मैं चला जाऊँगा। चलो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, तुम्हारे कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम्हें आज़ादी मिलती वो मेरा रिश्ता लेके आए। हारिस की कॉल आ रही है। तुम कॉल रिसीव नहीं करो, कोर्ट में बात करने से। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैंने क्या करना है क्या नहीं। हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वजह? मिलना जरूरी है। कहाँ मिलना है? कल दोपहर 3 बजे गोल्फ क्लब। ओके ओके। इनको एहतियात से रखिएगा, नीचे गाड़ी तक पहुंचा दें। जी सर। मैं बाकी चीजें लेके आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? ठीक, मुझे लगा आप जा चुके होंगे। जी बस कुछ थोड़ा सा सामान रहता था। सही, आप सामान अपना पैक करें, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ज्यादा टाइम है ही कब आपके पास। जहांगीर साहब, मैं आपको रिप्लेस नहीं करना चाहता था, मगर आप जानते हैं ये दुनिया है, इंसान को कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता। डोंट वरी, आई कैन अंडरस्टैंड। जानकर खुशी हुई। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
उठो। बोलो। कॉफी? मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई, जो बात करनी है जल्दी करो, फिर मुझे जाना है। मिनाल, तुम हम दोनों का नुकसान कर रही हो। नुकसान तो बहुत हुआ है, अब तुमसे रिश्ता खत्म करके इस नुकसान को कम करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मुझे सजा देना चाहती हो, दैट्स इट। जुर्म की सजा ही मिलती है। कैसा जुर्म? मैंने कौन सा जुर्म किया है? तुम्हें बगैर बताए क्लिनिक में पेशेंट्स देखना? नो, लेट मी करेक्ट यू। मुझसे छुप कर नहीं, मुझसे झूठ बोलकर पेशेंट्स देखना। तुम्हें क्या लगा था जिंदगी भर मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है मिराल। मैं तब भी तुम्हारी खुशी चाहता था, अब भी तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो। तुम मुझसे आजादी चाहती हो? लिख कर दूं? नहीं, थोड़ा वक्त दो, ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा तुम्हारी। कुछ दिनों बाद मिलेंगे अब हम, डिवोर्स पेपर्स के साथ। और हाँ, ये मत समझना कि तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा फैसला बदल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती थी। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। I'm good. आप कैसी हैं? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सोच रही थी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। Oh, that's great. इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम की वजह से थोड़ा परेशान थी, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि सब मैनेज हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है, भला नानी से बेहतर कौन ख्याल रखेगा। जी सर, ठीक है सर, फिर सी यू टुमारो। अनाया, मैंने ऑफिस से रिजाइन कर लिया, बल्कि यूं कहें कि ऑफिस वालों ने मुझसे रिजाइन ले लिया। क्यों सर? अब ये तो ऑफिस ही बता सकता है। आई एम सो सॉरी सर, बहुत अफसोस हुआ। इसमें अफसोस की क्या बात है बेटा, इट्स लाइफ, सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, फर्क तो पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, इंसान खुद अच्छा हो तो सब अच्छा ही होता है। खैर, आप कल ज्वाइनिंग दें, मैं किसी दिन आपके पास कॉफी पीने आऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? पता नहीं, ऑफिस वालों ने जहांगीर सर को टर्मिनेट कर दिया। क्यों, क्या क्या कर दिया? मतलब नौकरी से फारिग कर दिया। क्यों? पता नहीं, मैं जाके ही पता चलेगा। कितने आराम से बैठा है अपनी माँ की गोद में, खूब तंग करता है नानी को। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बेटा, तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है। मामा प्लीज, मैं अपना अच्छा और बुरा समझता हूँ। और मैं तुम्हें समझती हूँ, माँ हूँ मैं तुम्हारी। जब अभी तुमने बोलना भी शुरू नहीं किया था, उस वक्त से तुम्हें समझती हूँ।
बेटा मीराल तुम्हारे काबिल नहीं है। मामा आप मीराल को जानती ही नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जानती हूँ, बदतमीज, मुंह जोर, मुंह फट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने फैसले खुद करने वाली। मैं इस नजर से देखता हूँ। मामा आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। माशाल्लाह बड़ी बातें करनी आ गई हैं। जिस माँ ने माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, आज उसे ही अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मामा आप पैदा करने वाले का फर्ज होता है पालना। सच कहते हैं सोबत का बड़ा असर होता है। बदतमीजी करनी तो तुमने उससे सीख ली है, और क्या क्या सीखा है? बाय द वे डिक्टेशन तो देती होगी तुम्हें। मामा अगर वो डिक्टेशन देती है तो डिक्टेशन लेना तो मैंने आपसे सीखा है। कब सोना है, कब जागना है, किससे मिलना है, किससे दोस्ती करनी है, मेरी लाइफ के सारे फैसले आप करती आई हैं। मगर मामा आप, मैं अपनी शादी का फैसला कर चुका हूँ। शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। बेहतर, अब मेरे फैसले का इंतजार करो। मामा कोई खास खबर? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। सर अनाया ने जॉइनिंग दे दी है। अच्छा भेजो। ओके सर। आइए। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। कैसी गुजरी आपकी छुट्टियां? अच्छी सर। मैंने तो बहुत तारीफ सुनी है आपकी। सुना है आप जहांगीर की फेवरेट थी। सर ऑफिस में कोई फेवरेट नहीं होता, सब प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं। जहांगीर सर एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान थे एंड आई थिंक इसी वजह से वो प्रोफेशनल लोगों को पसंद करते हैं। चले देखते हैं आपका प्रोफेशनलिज्म। राइट सर। ठीक है आप जा सकते हैं। मिस अनाया आप इस फाइल को रीड कर लें, फ्राइडे को कराची में कॉन्फ्रेंस है, आप सर यासिर के साथ जा रही हैं। मैं तो नहीं जा सकती। क्या मतलब? मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको साथ नहीं ले जा सकती और यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो मैं नहीं आ सकूँगी। लेकिन ऑफिशियल काम है। आई नो, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। ओके ये फाइल। कम इन। सर अनाया ने जाने से इनकार कर दिए। क्यों? सर वो कह रही हैं कि उनका बेटा बहुत छोटा है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। वो अकेली नहीं जा रही है, 8 लोग जा रहे हैं और सबके मसाइल। सर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है मगर। समझाओ नहीं, उसको बताओ कि वो ऑफिशियल ऑर्डर्स मानने की पाबंद है। अभी कुछ देर पहले तो वो मुझे प्रोफेशनलिज्म की कहानियाँ सुना रही थी, अब कहाँ गया उसका प्रोफेशनलिज्म? सर मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचा देता हूँ। मैसेज नहीं, ऑर्डर। राइट सर। अजीब ड्रामा है यार, इन्हें मर्दों की बराबरी भी करनी है
और जब कभी बराबरी करने का मौका आता है तो फिर औरत कार्ड खेलना है। जाके बताओ उसको कि अगर इस दफ्तर में काम करना है तो अपने मसाइल घर छोड़ के आए, वरना खुद भी घर पे रुके। मैं बता देता हूँ सर। जाओ। मामा को मिस किया आपने आज? कितना मिस किया, कितना मिस किया? क्या किया आपने पूरा दिन? नाना को तंग किया? खूब तंग किया। अच्छा इसको मुझे दे दो ना, तुम जरा ये ग्रीन टी पी लो बेटी। अभी तो ऑफिस से आई हूँ मम्मी। अच्छा चलो मैं यहाँ रख देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी सुनाए फिर, सुनाए क्या किया आपने पूरा दिन? कैसा रहा दफ्तर में आज दिन? बहुत बुरा। क्यों? अपने नवासे से पूछे, एक लम्हे के लिए भी इसके ख्याल से आजाद नहीं हो पाती मैं। जब बच्चे हो जाए ना तो ऐसे ही होता है। बच्चे जादू होते हैं, इंसान की जिंदगी बदल के रखते हैं। सही है। अभी मैं सोच रही हूँ मैं जॉब छोड़ दूँ। क्यों? बस अम्मी, अभी मैं इब्राहिम के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसकी परवरिश करना चाहती हूँ। तुम इसकी परवरिश के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए, इसी के लिए तो नौकरी कर रही हो, नौकरी नहीं छोड़ सकती तो? अम्मी ऑफिस वाले चाहते हैं कि मैं दो दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए कराची जाऊँ। मैंने उनसे कहा है मेरा बेटा छोटा है, मैं नहीं मगर। तो चली जाओ ना बेटा, मैं इसे संभाल लूँगी। तुम इसकी फिक्र क्यों करती हो? सोचते नहीं बेटा, सोचो मत, तैयारी करो। तो लाओ इसे मुझे दे दो। जी जी जी। कभी भी ना दूँ मैं। जो बात मैं तुझसे कहने आया हूँ उसको गौर से सुनी और समझी। तेरी बीवी तेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही है, जितना जल्दी हो सकता है उसके नाम से अपना नाम अलग कर दे। तेरी इन बकवास बातों की वजह से मैं तुझे अवॉइड करता हूँ। जो किस्सा खत्म हो चुका है उसे बार बार क्यों दोहराता है तू? किस्सा खत्म नहीं हुआ सर, वो आज भी तेरी बीवी। तेरी बीवी का नया बॉस पता है कौन है? यासिर कुरैशी। अनाया और यासिर कुरैशी इस वक्त कराची में एक साथ घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे प्लीज बैठे बैठे। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी है सेमिनार की? ज़िया साहब आप फ्रंट डेस्क पे होंगे। राइट सर। एमन और सादिया आप लोग प्रमोशंस देखेंगी, स्टैंडीज को देखेंगी, और एक बात को यकीनी बनाना है हम लोगों ने कि इस सेमिनार में आए हुए हर इंसान तक हमारी कंपनी का मैसेज पहुंचे। ओके सर। आजम साहब आप सबको सुपरवाइज करेंगे। राइट सर। और अनाया आप मेरे साथ होगी।
किस्सा खत्म नहीं हुआ सर, वो आज भी तेरी बीवी। तेरी बीवी का नया बॉस पता है कौन? यासिर कुरैशी। अनाया और यासिर कुरैशी इस वक्त कराची में एक साथ घूम रही है। हाँ वैसे आई कैन अंडरस्टैंड, शादी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। तुम जब चाहो शादी कर लो, मैं तैयार हूँ। वादा कर, चाहे कयामत आ जाए मेरा हाथ नहीं छोड़ो। वादा। ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? कब तक एक अनाया के मिराल में? अनाया को तलाक देना चाहता हूँ। तुम पेपर्स तैयार करो। तुम थैंक गॉड तुम्हें समझ तो आया। कब से मैं तुम्हें एक ही बात समझा, मैं सोना चाहता हूँ। हाँ तुम आराम करो, सुकून से सो जाओ, मैं कल सुबह होते ही पेपर्स तैयार करवा दूंगी। मेरा बेबी, हमें थोड़ा क्लोज करें ना इब्राहिम के। मेरा दिल चाह रहा है मैं फोन से निकल के गले लगा लूँ इसको। अम्मी ये तो सो गया, आपने कब सुलाया इसको? बड़ी जल्दी सो गया। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्रेंस कैसी रही? कॉन्फ्रेंस तो ठीक थी अम्मी, लेकिन मैं इसको इतना मिस कर रही हूँ, मेरा बच्चा। अच्छा अम्मी मैं आपको ना 2 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ, दरवाजे पे कोई आया। अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं सर, बताइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, एक ज़रूरी बात करनी है। श्योर सर। थैंक यू। प्लीज बैठे आप। जी सर। ऐसे बोर हो रहा था, सोचा आपसे बातें करूं। मैं सोच रहा था हसन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। जब आपका शौहर, आपकी जिंदगी का साथी आपके साथ अच्छा ना हो, जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल होती है। खैर, अकलमंद लोग कहते हैं कि पास्ट को भूल जाना चाहिए और अपनी नजरें फ्यूचर पे रखनी चाहिए।
पता क्या है नाया, मैं आप में बहुत पोटेंशियल देख रहा हूं। ये आपका प्रमोशन लेटर है, आप इसे पढ़ लें, पढ़ के मुझे वापस दे दें, मैं साइन कर दूंगा। सही है, मैं इसे यहां रख रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। चलता हूं, गुड नाइट। Thank you.